ओके बच्चों, डिस्कस रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, सो देयर इज सम चेंज. हाइपरलिंक्स आर इन टर्म 2, सो वी विल नॉट गोइंग टू द पेजेस, बट यू हैव टू मेक द इंडिविजुअल पेजेस फॉर दैट. इंडिविजुअल पेजेस बनेंगे बट लिंकिंग हम टर्म 2 में करेंगे. ओके, यू जस्ट क्रिएटेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे. जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू. अब आपके प्रोजेक्ट में रहेगा क्या क्या, जस्ट नोट इट डाउन. For the students who are joining late, bache, like we discussed yesterday the project, now there is some change. You need not to include the hyperlinks in your project, simply you have to create the individual pages. Okay, first thing, individual pages, right? No hyperlinks, that we will cover in next term. Ye cheez clear hai? अब आपने जो अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, दैट इज फर्स्ट पेज विल बी योर फ्रंट पेज, देन इंडेक्स पेज, वो आपका एज इट इज रहेगा, राइट? जो वेबसाइट का आपका फर्स्ट पेज रहेगा, दैट इज इंडेक्स पेज, दैट इज कॉल्ड होम पेज. ठीक है, होम पेज. अब होम पेज के ऊपर मैंने आपको कल बताया था कि बैनर पिक लगा लेना, एक मेन्यू लिस्ट बना लेना, राइट? अब मेन्यू हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, सो फॉर दैट, हाँ, नो लिंक्स विल बी देयर. सो सिंपली यू कैन क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट आल्सो. फॉर एग्जांपल, आपने पहले लगाया डिशेस, राइट? अब इसके अंदर आपकी नेस्टेड लिस्ट बनेगी, दैट इज अप टू यू कि आप ऑर्डर ले रहे हो कि अनऑर्डर ले रहे हो, वो आपकी अपनी चॉइस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ऑर्डर ही ले रही हूँ इसके अंदर, तो लाइक दिस वे यू हैव टू क्रिएट. ओके, तो आपकी यहाँ पे तीन डिशेज आ गई. देन हाँ, yes, then dish, deserts, सिर्फ नेम डालने आपके जो पेजेस बनेंगे वो सिर्फ डिशेस के बनेंगे. टोटल जो आपकी वेबसाइट पे एक होम पेज रहेगा, तीन पर आपका पेज बनेगा. फर्स्ट पेज विल बी द इंडेक्स पेज, सेकंड पेज आपका फर्स्ट डिश, थर्ड पेज सेकंड डिश, फोर्थ पेज थर्ड डिश. ओके, हाँ, वो लेआउट सेम रहेगा, तो आपका सेंटर वाला कंटेंट चेंज होता जाएगा ना, जहाँ पे आपने, हाँ, वो फिर मेन्यू का अलग से बना लेना अभी, क्योंकि हम लिंकिंग तो कर नहीं रहे हैं. तो सेंटर वाला जो आपका इंडेक्स पेज का कंटेंट रहेगा, वहाँ पे आपकी नेस्टेड लिस्ट आ गई. जो आपका इंडिविजुअल पेज रहेगा, वहां पे आप अपना हेडर फुटर सेम रख सकते हो, लेकिन सेंटर कंटेंट में उस डिश का कंटेंट आए, वट एवर द डिश यू आर गोइंग टू क्रिएट. ओके, यहाँ पे आपने फिर ऐसे ही दो डेजर्ट्स के नेम डालने हैं, लाइक दिस. दिस विल बी द नेस्टेड लिस्ट, हाँ, वो सेम ही रखोगे आप लेआउट अपना, राइट? बस सेंटर वाली नेस्टेड लिस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, योर डिश कंटेंट. हाँ, वो चाहे नहीं भी रखोगे तो हार्डली मैटर्स. अगर आपने रखने भी है मेन्यू, उसकी अगर चाहते हो कि पहले ही मेन्यू बना के रख ले, क्योंकि बाद में तो लिंकिंग करनी है, ठीक है? तो अपना एक मेन्यू पैनल रेडी करके रख लो, बना लो, लेकिन नीचे लिस्ट भी इंक्लूड कर दो, दोनों कर लो. यही डालोगे आप अपने डिशेस का ही. अदरवाइज अगर आप डिफरेंट करना चाहते हो, तो फिर आप मेन्यूज में ये कर सकते हो. जैसे आपका एक होम पेज है, फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक मेन्यू बार क्रिएट किया, होम है आपका, देन सर्विसेस, गैलरी बना सकते हो जहाँ पे सिर्फ डिशेस की फोटोज रहेंगी, ठीक है? टेबुलर फॉर्म में यू कैन मेक अ गैलरी, देन यू कैन इंक्लूड दी इन मेन्यू, यू कैन इंक्लूड कॉन्टेक्टर्स, ठीक है? कॉन्टेक्टर्स का डिफरेंट पेज बना सकते हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक डमी मेन्यू बना रहे हो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लिंक दी पेजेस, सो यू कैन इंक्लूड एनी डम्स, राइट? अचीवमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, व्हाट एवर द थिंग्स यू वांट टू इंक्लूड, वो सारा आपका मेन्यू के अंदर ही आएगा. स्टार्टिंग इंडेक्स से होगा नो, वो तो बच्चे आपका फाइल का डिफरेंट बनेगा ना, लेकिन जो वेबसाइट है उसका फर्स्ट पेज विल बी द इंडेक्स पेज. अब ये इंडेक्स पेज का क्लियर हो गया आपको कि क्या करना है इसमें. द मेन थिंग इज कि यू हैव टू क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट. पेज का जो सेंटर में आपका कंटेंट रहेगा, वो आपकी एक नेस्टेड लिस्ट बनेगी, where you are going to include the dishes as well as the desserts, right?
एनी डाउट? अब जब आप डिश वाले पेज पे आओगे, लेट इट बी आई एम ऑन द सेकंड पेज फर्स्ट डिश राइट, तो उसमें व्हाट यू विल डू, आपने उस डिश के बारे में एक पिक्चर लगा दी, डिश की रेसिपी बता दी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यू आर जस्ट गोइंग टू पुट दैट इन. उसके बाद आपने नीचे एक फॉर्म क्रिएट करनी उसी पेज के ऊपर, हर डिश के ऊपर एक फॉर्म का पेज बनेगा बिकॉज फॉर्म्स आर इन अवर सिलेबस ना, फर्स्ट टर्म में है. तो फॉर्म के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट डिश ले रही हूँ, तो फर्स्ट वाली डिश में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप वहां पे रेडियो बटन्स लगा दोगे. रेडियो बटन्स में क्या डालोगे, द डिश इज एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, आप कहां से आ रहे हो, नीड्स इंप्रूवमेंट. ऑल राइट, so this will be the form on first dish page and third dish page. First और third पे ये लगेगा, तीन dishes बनानी है ना, मैं तीन dishes के web pages रहेंगे आपके पास, तो first dish पे same form रहेगा, where you are just going to rate your dish that whether it is excellent, good, very good, right? ये आप rating दे रहे हो, so this will be on the A dot जो आपकी first dish रहेगी and the third one C part, okay? जो B वाले पे आएगा वहाँ पे हम थोड़ा सा different रखेंगे, रेटिंग नहीं करेंगे कि अदरवाइज सेम फॉर्म ही जा रहा है ना सारे वेब पेजेस पे, तो जस्ट टू मेक इट लिटिल डिफरेंट वन, व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्लूड चेक बॉक्सेस इन दैट इंस्टेड ऑफ रेडियो बॉक्स, अदरवाइज वो सेम ही रहेगा फिर कंटेंट. तो चेक बॉक्स में फिर आप क्या कंटेंट डालोगे, अब ही होती है, यू कैन नॉट चूज मल्टीपल रेटिंग्स फॉर अ सिंगल डिश है ना, तो वी कैन नॉट पुट एक्सीलेंट, गुड एंड दैट. तो आप चेक बॉक्स में क्या लगाओगे फिर सेकेंड में, व्हाट दैट डिश इंक्लूड, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आप उतने टिक लगाते हो, क्लियर, प्रोटीन है, फैट है, तो ये चीजें आपने इंक्लूड करनी है ऑन चेक बॉक्स जो सेकंड डिश पेज आपका बनेगा. एनी डाउट, अगर आप करना चाहते हो तो इट्स योर विश, नो कंपल्शन, तुम्हारी मर्जी, बाद में टर्म टू में तो करना ही है CSS वाला काम, वो तो सब करना ही है बाद में. इनलाइन लगा लो थोड़े बहुत अगर आपको लगने है कहीं पे स्टाइलिंग देनी है तो. एनी डाउट, वो बच्चे हम टर्म टू में करेंगे सारा CSS वाला काम. एनी डाउट, शुड आई रिपीट, भाविन रिकॉर्डिंग आप कल डाल दी, हाँ जी भाविन आप लेट आए, आपको पता चल गया कल आए थे, आपने एक वेबसाइट बनानी है HTML की राइट, द टॉपिक इज आंध्र प्रदेश, यू हैव टू इंक्लूड थ्री डिशेस, तो ये मैंने फर्स्ट वाला देखो इधर ऑरेंज वाला, ये मैंने बताया इंडेक्स पेज पे क्या क्या रहेगा. इंडेक्स पेज पे आपकी एक मेन्यू रहेगा, बैनर में आप लोगो लगा लो, आंध्र प्रदेश स्टेट के ऊपर थोड़ा कंटेंट डालोगे, उसकी इंफॉर्मेशन डालोगे, और सेंटर में आपके पास क्या रहेगा, द नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट में क्या रहेंगी, तीन डिशेस, दो डेजर्ट्स, लेकिन हमने जो वेब पेजेस बनानी है, इंडिविजुअल वेब पेजेस आर टू बी मेड ऑन ओनली दीज थ्री डिशेस राइट. ये आपकी नेस्टेड लिस्ट इस तरह से बन गई. अब आपने थ्री डिशेस के ऊपर इंडिविजुअल वेब पेज बनाने हैं, जो हम वी आर नॉट गोइंग टू लिंक राइट नाउ, बट वी विल डू इन द टर्म टू. ओके, अब सपोज करो आपने तीन डिशेस लिया, वो तीन डिशेस के न्यू वेब पेजेस बनेंगे, हर डिश के वेब पेज के ऊपर आपने डिश की पिक्चर, उस डिश के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन टाइम और कुकिंग टाइम, ऑल दीज डिटेल्स विल बी देयर, एंड देन यू हैव टू इंक्लूड अ फॉर्म एट द बॉटम राइट. फॉर्म इंक्लूड क्या करना है, जो फर्स्ट डिश और थर्ड डिश वाला पेज है वहां पे यू आर गोइंग टू इंक्लूड अ this radio buttons where you are going to give the rating for your dish right. Second wala jo dish page hai wahan pe maine aapko bataya you have to include the check box where you are going to tell that whether your dish include fats, carbohydrates, proteins, minerals, whatever the things are there that you have to include using a check box right. Form mein sirf itna hi, bas 2 महीने हो गए कि बेचते, वो भी हम इसको मेन्यू नहीं बना रहे ना,
वी आर सिंपली क्रिएटिंग अ लिस्ट, इसको हम करेंगे करेक्ट बट ऑन द टर्म टू, फिर हम उसके बाद इसको एज अ कर लेंगे क्रिएट मेन्यू। मतलब अगर हम ऊपर वाला मेन्यू बनाना है तो भी ये लिस्ट वो तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेन कंटेंट हमारा भी ये नेस्टेड लिस्ट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी आर कवरिंग द टॉपिक्स, हमारे सिलेबस में लिस्ट है, फॉर्म्स है, सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस। मतलब अगर एक ही लगाने हो वो बाद में कर लेना, वो आपकी चॉइस है। एनी डाउट एनीवन? इसमें सर्विसेज क्या क्या मिल रही है आपको? अभी तो मैंने आपको एक रफली बताया, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यू कैन इंक्लूड। उसमें फिर आपको यहाँ पे रखना था डिशेस, होम पेज डिशेस, डेजर्ट्स का लिंक बनना था, फिर कॉन्टेक्ट का लिंक बनना था, एक गैलरी का लिंक बनना था, क्लियर? अगर आप मेन्यूज के थ्रू जा रहे हो तो आप अभी भी बना सकते हो, यहाँ पे डिशेज रख लो, यहाँ पे डेजर्ट्स रख लो, एक में गैलरी रख के उस डिश और उस डेजर्ट के रिलेटेड यू हैव टू इंक्लूड पिक्चर्स। All right, वो आप पे डिपेंड है दैट हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर मेन्यूज। एनी डाउट? सो यू कैन क्रिएट अ डमी वेब पेज, बनाओ अभी साथ साथ में। हिमानी है ना? हिमानी है ना आपकी क्लास में? बच्चे व्हेन यू वांट टू इंक्लूड बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्सेस, जब आपने टिक रखने हैं तो हम ऑप्शन क्या लगाते हैं, चेक बॉक्स पे क्या लगाते हैं? दैट इज द एट्रीब्यूट दैट यू आर गोइंग टू यूज आइदर इनसाइड द इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, तो उसके अंदर क्या आएगा? ये मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला था, सिलेक्टिंग। Okay, you will include the attribute selected. So, जिस भी ऑप्शन के आगे आप selected लगाओगे वो आपका selected by default हो जाएगा। All right? Any doubt? Start making a web page. Online students also, I am giving you the permission to present your screen. So create a web page and share the screen. अब मैंने आपको बताया था जब आपने बैनर लगाना है तो आप वो गूगल से सर्च कर लेना, बैनर पिक्स लिख के इजिली यू विल फाइंड द पिक्स। कल मैंने आपको वो डेमो भी दी थी थोड़ी सी, ठीक है? वो बैनर पिक्स लगा के आप उसको हेडर सेक्शन में रख लो, फुटर सेक्शन में आप रिजर्व राइट या कॉपी राइट का एक लगा दो। ऑल राइट, तो ये आपका हेडर और फुटर सेक्शन बन जाएगा, बीच वाला आपका बॉडी सेक्शन है, तो आप टी हेड टी वर्ड टी बॉडी ये तीन टैग्स यूज कर सकते हो एचटीएमएल के। ओके, अदरवाइज एक और टैग होता है, अगर आप सीएसएस के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें व्हाट यू कैन डू, आप एक हेडर टैग अपनी तरफ से बना सकते हो, राइट? अंडर दिस हेडर टैग पोस्ट करो, मैं ये भी लिस्ट का ही क्रिएट कर रही हूँ, तो व्हाट आई कैन डू हेडर, एक मैंने डिव टैग ले लिया, अब डिव टैग के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट, इसकी एलआई क्या है, डिशेस, राइट? अब इसके अंदर फिर से एक नेस्टेड लिस्ट बन रही है, पोस्ट करो आप ओएल जो भी आपने लेना है, तो इसके अंदर आपकी फिर से डिफरेंट काइंड की एल आईज आ रही है, मतलब तीन डिशेज आ रही है, राइट? देन हियर यू नीड टू क्लोज द यूएल टैग, आपकी अंदर वाली लिस्ट क्लोज हो रही है। नाउ नेक्स्ट सेम मेन लिस्ट की आपके, नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द डेजर्ट्स एंड अंडर अगेन दिस यू आर गोइंग टू क्रिएट अनदर लिस्ट where you are going to include two deserts आपको यहाँ पे हेडर टैग लास्ट में क्लोज हो रहा है, उसके पहले आपने डिप टैग क्लोज कर लिया। अब ये नेस्टेड लिस्ट आपकी बन के आएगी,
इसी तरह से तो आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हो जो भी प्रॉपर्टीज लगानी है, यू कैन गिव टू द हेडर और द डिव टैग, राइट? एनी डाउट? ये आपका बीच में रहेगा, ये मैं सीएसएस के थ्रू बता रही हूँ। अगर आप हेडर पे फिर कोई अपनी लगाना चाहते हो प्रॉपर्टीज, इफ यू वांट टू गिव अ बॉर्डर लिस्ट, को ऐसे तो बॉर्डर नहीं मिलेगा ना, तो आप हेडर पे बॉर्डर लगा दो। तो हेडर कंटेंट के अंदर क्या पड़े, लिस्ट पड़ी है, सो लिस्ट विल गेट द बॉर्डर, आपका एक ऐसे बॉक्स के अंदर आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? ओके, सो वन मोर थिंग, अगर आपको मैं सिंपली बता, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी टैग। अब बॉडी के अंदर पहले तो सपोज करो, अगर आप एक सिंपल वेब पेज बनाना चाहते हो तो आप एक बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा दो चाहे तो, ठीक है? This is one way of creating the web page. मैं आपको दो तीन different ways बता देती हूँ। So background, यहाँ पे आप कोई background पे अपनी image include कर रहे हो, पूरी image आपकी float करेगी on a web page. So that will be the background, right? अब under this background हमारा next क्या है? आपने एक logo लगाया। For that you are inserting the image. ठीक है? उसकी आप height and width छोटी सी set कर दोगे, approximately 50x50 pixels. क्योंकि लोगो इज ऑलवेज स्मॉल, तो आप उसको लेफ्ट साइड पे ले रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी इमेज इंक्लूड हो जाएगी। इमेज के साथ ही आप उसकी कोई हेडिंग देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, तो वहां पे आप हेडिंग टैग के साथ यू कैन इंक्लूड दी हेडिंग्स, राइट? अब अगर साथ में ही आपने उसका मेन्यू भी क्रिएट करना है, या उसके एक नीचे मेन्यू क्रिएट करना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अलग से आपने एक हेडिंग टू ली, अब इसके अंदर यू वॉन्ट टू इंक्लूड दी दैट मेन्यू जो हमने बनाए, होम गैलरी कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिस्ट से कर लो, अगर आपने लिस्ट से नहीं करना, सेकेंड वे इज यू कैन यूज टेबल टैग। टेबल टैग में मैंने आपको बोला था वन रो के अंदर मल्टीपल टेबल सेल्स विल बी देयर एंड दैट विल हैविंग द मेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एच टू के अंदर अब लिया टेबल, बॉर्डर रखना है नहीं रखना, अगेन इट्स योर चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू गिव दैट आउटलाइन, एंड देन यू आर गोइंग टू इंक्लूड दी मल्टीपल टेबल डेटा जितने आपने बनाने हैं, राइट? तो यहां पे मैंने पहले रखा अपना होम, डिशेस, डेजर्ट्स, गैलरी एंड देन कॉन्टेक्ट, राइट? टीआर क्लोज एंड देन टेबल क्लोज। अब इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज आपकी लगी हुई है फुल फ्लेज, अब क्या बन रहा है, व्हाट इट अपीयर्स लाइक, कुछ इस तरह से अपीयर होगा जिसके पीछे एक बैकग्राउंड आ रही है। इसमें आप एक छोटा सा यहाँ पे एक लोगो लगा रहे हो, यहाँ पे फिर आपकी एक हेडिंग रह रही है, क्लियर? उसके बाद आपने जब आप नीचे की तरफ आए हो तो यहाँ पे आपने एक टेबल के साथ एक मेन्यू क्रिएट कर लिया है लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल आएगा क्योंकि हमने एक ही रो में इंक्लूड किया। नाउ यू वांट टू सेट दिस स्पेसेस दैट कैन बी सेट यूजिंग हाइट एंड विड्थ। अगर आपको टेबल से नहीं करना, इसका भी एक और वे आउट है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, हम फॉर्म्स थोड़ा बना रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड द टेक्स्ट बॉक्स फॉर दैट। सो दिस इज वन वे। सेकंड वे मैंने बताया लिस्ट से कर लो, अगर लिस्ट से कर रहे हो तो लिस्ट तो ऐसे आएगी, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल नन। तो लिस्ट स्टाइल नन से क्या होगा, उसके आगे वाले बुलेट्स चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन वो आएगा वर्टिकली, बट उसकी जो लिस्ट के स्टाइल डेकोरेशन स्टाइल्स है वो दैट विल बी लॉस्ट। अब अगर आप उस लिस्ट को राइट साइड से लेके जाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे,
float right. So this will make your content floats to the right side of the web page, right? इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि वो फ्लोट राइट तो हो गया लेकिन गया तो वर्टिकल लिस्ट ही ऐसे ना, तो फिर आपको एक लगानी है प्रॉपर्टी ब्लॉक इनलाइन. इनलाइन से क्या होगा, जो आपकी वर्टिकली थी दैट विल मूव लाइक एज अ हॉरिजॉन्टल. ये मैं आपको कोड भेज दूंगी पूरा बना बनाया, बट यू कैन यूज इट ऑन द सेकंड टर्म. ठीक है, अभी सीएसएस नहीं करें तो इसको चाहे रहने दो, दिस इज जस्ट द एक्स्ट्रा थिंग्स. अगर आप साथ साथ में करना चाहते हो यू कैन इंक्लूड, क्योंकि बाद में तो करना ही है. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वेज आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन इंक्लूड द मेन्यू. दिस इज नॉट अ कंपल्शन कि आपने इसी मेथड के साथ ही करना है. ये वन मेथड अगर आप लिस्ट वाला कर रहे हो. अब इससे इजीएस्ट मेथड है जो मैंने आपको ऊपर टेबल टैग वाला बताया, दैट इज मोर इजी. अब जिनको टेबल में नहीं लग रहा है प्रॉब्लम कि नहीं होगा काम, तो व्हाट दे कैन डू, अ सिंपल सिंपली एक हेडिंग टैग ले लो, H1 H2 व्हाटएवर द हेडिंग्स यू आर टेकिंग अपने फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंगली. अब इसके अंदर आप लगा दो H1 टैग आपने स्टार्ट किया, इसमें आपने कंटेंट डाल दिया, सिंपल कंटेंट होम. हाँ, अगर आप टेबल से भी नहीं करना चाहते, दिस इज द सिंपलेस्ट जो लेमैन वाला एक मेथड होता है ना, दैट इज दिस मेथड. अब इसके अंदर आपने डाली गैलरी, सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ H1 क्लोज. अब क्या हो रहा है इसमें, आपने H1 में तो कंटेंट डाल दिया, तो ये सारा साथ में कॉन्टेक्ट फॉर्म में आएगा, इकट्ठा आएगा. वट यू कैन डू, यहाँ पे स्पेस इंक्लूड कर दो, जितनी स्पेसेस देनी है उसको कॉपी करते जाओ. ठीक है, इतनी स्पेसेस लेके जितनी आपने यहाँ से एक्सपोज करो, जितनी भी नंबर ऑफ स्पेसेस मैंने यहाँ पे ले ली, वो आपने अपने लेआउट के साथ साथ में बना के देखते जाना. सिमिलरली यहाँ पे लगा दो उतनी स्पेसेस, सो दैट वो इक्वल स्पेसिंग रहेगी फिर. ठीक है, ये दिस वन इज सबसे जो कह लो कि इजीएस्ट मेथड, तो आप ये यूज कर लो. राइट साइड के लिए, हाँ उसका मेन पर्पस है नो वर्क दिस वे हॉरिजॉन्टल. हाँ, तभी हमने उसको इनलाइन किया. अगर हम इनलाइन नहीं करेंगे तो वो फ्लोट करके बस इस साइड पे आ जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा. जब आप उसको चाहते हो हॉरिजॉन्टली जाए तो इनलाइन लगाना पड़ेगा. अगर अकेला फ्लोट लगा रहे हो तो दैट विल मेक द लिस्ट एज वर्टिकली होंगे, वो सिर्फ उसको उस साइड पे लेके जाएगा. क्लियर है, एनी डाउट? सो दीज आर द थ्री वेज बाय विच यू कैन मेक द मेन्यूज. चाहे आप सिंपली लिख के NBSP से वी हैव डन दिस करेक्टर ना, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो आप स्पेसेस इंक्लूड कर सकते हो. Then you can either use the table tag, that one is the most easiest one. ठीक है, table tag को भी बना सकते हो. अब यहाँ पे table tag चाहे मत close करो, आपने ये बना लिया, इसके बाद एक और table tag start कर दो. Table tag के अंदर जो नीचे वाला content है आपका list का, उसको उसमें include कर लो. List को भी table के अंदर डाल लो, तो आपको थोड़ी formatting options मिल जाती है. लिस्ट में बैकग्राउंड कलर नहीं सेट कर सकते, टेबल का बैकग्राउंड कलर तो सेट होता है ना. टेबल अलाइन इक्वल टू राइट, टेबल का लाइन एट्रीब्यूट होता है, देयर इज द एट्रीब्यूट अलाइन, देयर यू वांट. अगर आपको कंटेंट सेंटर में करना है तो हम TR के अंदर लगाते हैं, TR अलाइन इक्वल टू सेंटर. अगर टेबल को करना है तो टेबल के अंदर अलाइन लगा दो. राइट, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद HTML आल्सो. वो है कि अब आपको एट्रीब्यूट रिकॉल करने पड़ेंगे ना. ठीक है, अब एक और इजीएस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट. आपने बॉडी के अंदर एक लिया है और इसमें आपने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है. बॉडी में आप सिंपल एक बैकग्राउंड कलर ले रहे हो, या कोई इमेज लगा रहे हो पूरी बैकग्राउंड पे. ठीक है, कोई भी आपने वॉलपेपर सा उठा लिया है. सेकेंड वे व्हाट यू कैन डू इज, आपने बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग स्टार्ट किया, ये आपका टेबल टैग का बैकग्राउंड कलर. आई एम अज्यूमिंग दिस इज माई टेबल टैग, टेबल बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू. तो इस तरह से टेबल बन जाएगा, आप उसकी हाइट विड्थ सेट करो, क्योंकि आप सिर्फ हेडर रो बना रहे हो.
need not include header tag also, वो भी टेबल से बन जाएगा. तीन टेबल्स लगाओ पूरे वेब पेज के अंदर. मैंने तीन टेबल्स लगाए, एक मेरा हेडर के लिए रह रहा है, एक मेरा फुटर के लिए रह रहा है और एक मेरा बॉडी. अब हेडर और फुटर आई एम टेकिंग दी सेम कलर्स. दिस वे यू कैन ऑल्सो इसमें क्या होगा कि आपने बॉडी के अंदर टेबल टैग लगाया पहली बार, टेबल बैकग्राउंड कलर जो भी बैकग्राउंड सॉरी बीजी कलर इक्वल टू ब्लू. टेबल के अंदर आपने टीआर बनाई, टीआर के अंदर फर्स्ट टीआर में आपने क्या इंक्लूड किया, लोगो. लोगो के लिए क्या लगाओगे टीडी के अंदर, इमेज सोर्स इक्वल टू इमेज लोगो. दिस वन इज ऑल्सो इजिएस्ट अगर आप डायरेक्टली सीधा फ्लो में चलना चाहते हो. ठीक है, ये फर्स्ट टीडी है, फर्स्ट रो की फर्स्ट टीडी है. फर्स्ट रो की सेकेंड टीडी के अंदर यू कैन इंक्लूड द हेडिंग. हाँ रो एक ही है, फर्स्ट रो का ही काम हो रहा है सारा. ये फर्स्ट रो में आपने क्रिएट कर दिया उसकी हेडिंग आंध्र प्रदेश व्हाटएवर इट इज यू वांट टू इंक्लूड. नाउ नेक्स्ट सेम टेबल के अंदर सेकेंड रो में आ जाओ. सेकेंड रो में हेयर ऑन द राइट साइड You can include menus. यहाँ पे मेन्यू बना दो सेम टेबल के अंदर बट सेकेंड रो में. तो जब सेकेंड रो में आगे एक ही सेल बना लिया तो क्या लगेगा, फॉल्स पैनल. क्लियर? अब ध्यान से इमेजिन करो मेरा ये फर्स्ट टेबल है. फर्स्ट टेबल में मैंने दो टीडी बनाए फर्स्ट रो के अंदर. एक रो एक सेल के अंदर मैंने अपनी इमेज इंसर्ट करी है. सेकेंड सेल के अंदर आई एम इंक्लूडिंग अ हेडिंग आंध्र प्रदेश. ओके, नाउ इन द सेम टेबल सेकंड रो पे जब आप आ रहे हो, सेकंड रो में फॉल्स पैन यूज करके मैं एक ही सेल ले रही हूँ और एक सेल का जो विड्थ वगैरह सेट करके वहां पे मैंने यहाँ पे मेन्यू इंक्लूड कर दिया. सो दिस फॉर्म्स माय फर्स्ट टेबल, राइट? टेबल टैग क्लोज. नाउ कम टू द सेकंड टेबल. टेबल बीजी कलर ऑरेंज सेट कर दिया, वो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने देख लेना. अब आपने सेकेंड टेबल है यहाँ पे इंसर्ट किया. यहाँ पे फर्स्ट सेल में Either you can include your nested list, जो भी आपने बनाना है, या फिर आप एक इमेज लगा सकते हो आंध्र प्रदेश के ऊपर. राइट? नाउ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कि आप एक इमेज ले रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे आप कंटेंट डाल रहे हो आंध्र प्रदेश के रिलेटेड. या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपने कंटेंट डाला और यहाँ पे आपकी लिस्ट आ रही है. कल कॉलम वाला भी मैंने बताया था ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में कैसे डेटा ले सकते हो. तो मतलब ये तीन सेल बने हुए, थ्री टीडीज, राइट? अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, एक ही सेल के अंदर आप इस तरह से फोर इमेजेस लगा सकते हो, फोर अपने डेजर्ट्स डिशेस की, जो जितनी भी डिशेस आप बना रहे हो. ठीक है, डेजर्ट्स को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. लिस्ट तो देनी देनी है, मेन्यू में आपको बता रही हूँ कि आप रेडी करके रख लो क्योंकि वो तो यूज होना ही है ना. रेस्ट ऑफ द वेब पेजेस पे क्या लगाओगे, खाली छोड़ोगे क्या उस वेब पेज पे क्या लगाओगे? अब जब जो आपके सेकेंड थर्ड और फोर्थ वेब पेज बनेगा उसमें ये ब्लू वाला टॉप और ब्लू वाला बॉटम शुड बी सेम. ये आपका कॉपी हो जाना एज इट इज. द ओनली थिंग दैट विल चेंज ओनली द ऑरेंज पोर्शन. हाँ वो तो ये वाला पर्टिकुलर आपका टेबल एज इट इज सेम रहना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होना. तभी तो हम इसको हेडर फुटर में बना रहे हैं, तभी हम इसकी डिविजन कर रहे हैं अपने वेब पेज की, सो दैट इट शुड बी सेम ऑन एवरी वेब पेज. हमें बार बार ना क्रिएट करना पड़ेगा वेब पेज के लिए. वंस वी विल मेक इट, वी विल यूज इट ऑन द अदर पेजेस. The only thing, but we have to change this orange color panel. क्योंकि this will vary from one page to another. ये अगर आप same रखना चाहते हो तो इतना portion same रख लिया, यहाँ पे हर dish का content change. अब footer में पहले page पे आप रख रहे हो copyright and reserve, right? अब इसके अंदर भी आप अलग से दो panels बना सकते हो क्योंकि आपने next page पे यहाँ पे form लगाना. यहीं पे लगाओगे ना rating दो अपनी, तो legend लगा लेना. याद है आपको लीजेंड फॉर्म में क्या होता है, उसमें इस तरह से मैंने करवाया था ना आपको कि आप एक यूजर इंफॉर्मेशन दे सकते हो. तो वह फीडबैक लगा रहे डायरेक्टली, थोड़ा ना फॉर्म क्रिएट कर दो. यहाँ पे लगाओगे टैग फील्ड सेट, फील्ड सेट के अंदर
लीजेंड टैग दिस वे मीन्स आप यहाँ पे क्या डालोगे फीडबैक एंटर योर फीडबैक और फीडबैक जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे और फिर नीचे आपके यहाँ पे रेडियो बटन आ जाएंगे तो इसको भी टेबल टैग में डाल देना ताकि वो इक्वल स्पेसिंग पे आपके रेडियो बटन रहेंगे एक्सीलेंट वेरी गुड गुड देन एवरेज नीड्स इंप्रूवमेंट तो फिर वो फॉर्म अच्छा नहीं लगेगा ना इतना वही है ना बात की आप उसके कैसे कर रहे हो प्रेजेंट अपने क्लियर है सिमिलरली थर्ड पेज पे जाओगे ब्लू वाले बॉर्डर्स आपके सेम रहेंगे बस कंटेंट चेंज होता जाएगा ऑरेंज वाले में और नीचे फॉर्म वाला भी चेंज होगा फिर क्योंकि हमने सेकंड वाले डिश पेज पे चेक बॉक्सेस इंक्लूड कर लिए डायरेक्टली डालोगे वो इतना उसका आएगा नहीं इफेक्ट तो इसीलिए आप उसको फील्ड सेट और लीजेंड टैग में डाल देना ताकि एक बॉर्डर भी रहे उसके सराउंड में उसमें डायरेक्टली आप सिंपली यहाँ पे डालोगे कॉपीराइट एंड उसको भी तभी कह रही हूँ नीचे बना लेना ना साइड पे हाँ जितना मर्जी उसके सेक्शंस बनाते हैं अगर आप सेम कॉपी कर रहे हो तो यहाँ पे कॉपीराइट और रिजर्व राइट्स आपके रहेंगे उसके ऊपर ही फॉर्म लगा देना फील्ड सेट और लीजेंड्स डाल के क्लियर दी ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि बनेगा कैसे ये सेक्शंस कैसे बनने अगर आपने टेबल टैग में यूज करना तो एनबीएसपी से स्पेसेस दे देना बोथ वे यू कैन डू लीव सीएसएस राइट नाउ कैसे फ्लोट करना वो सेकंड टर्म में देखते हैं राइट थिंग्स आर क्लियर बच्चे एवरीवन यस शिवान सेकंड वाले डिश पे बच्चे यू हैव टू इंक्लूड चेक बॉक्सेस फर्स्ट और थर्ड वाले पे रेडियो बटन ओके आप इसको एक बार दोबारा देख लेना जितने मैंने मेथड्स पहले वाले पेज पे बताए थे तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो ऑल राइट आपको